अंडाल के राजा के महल से कोई उसकी कीमती पत्थर चुरा लेता है। राजा अंडाल के सैनिक चार संदिग्धों को पकड़कर महल में लाते हैं। चारों कहते हैं हम निर्दोष हैं। राजा अंडाल चोर पकड़ने के लिए एक युक्ति सोचता है। वो उन चारों के हाथ में एक एक लकड़ी देता है और कहता है ये जादुई लकड़ी है जो चोर के घर में जाते ही उसके घर में 2 इंच बढ़ जाएगी और जो चोर होगा उसकी लकड़ी बाकियों से बड़ी होगी। चारों लकड़ी अपने पास ले लेते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन चारों अपनी अपनी लकड़ी के साथ राजा के पास वापस आते हैं। उन चारों को और लकड़ी को देखकर राजा समझ जाता है कि चोर कौन है। क्या आप बता सकते हैं कि चोर कौन है? ए, बी, सी या डी? तो सही आंसर है डी। चोर को लगता है कि घर जाकर उसकी लकड़ी 2 इंच बढ़ जाएगी, इसीलिए वो लकड़ी को 2 इंच काट देता है और उसके हाथ में जो लकड़ी है वो दूसरे से छोटी है, यानी कि डी चोर है।